दोस्तों, वेलकम बैक ऑन द चैनल एंड होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सो दोस्तों, आज हम बनाएंगे उत्तराखंड की एक और कमाल की रेसिपी जिसका नाम है बाड़ी, और ये बनता है उसी वंडर ग्रेन से जिससे हमने कुछ दिनों पहले पिज्जा बनाया था, यानी कि मड़वे का आटा और जिसको हम रागी का आटा भी बोलते हैं। तो दोस्तों, पिज्जा वाली रेसिपी अगर आपने अभी तक चेकआउट नहीं की है तो मैं आपको लिंक दे दूंगा एंड में, तो आप वो रेसिपी भी जरूर जाके देखिए। रागी को मैं वंडर ग्रेन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसके जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं वो बहुत सारे हैं, और आप गूगल करके पढ़ सकते हैं रागी के बारे में अच्छे से। तो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए और खासकर बच्चों के लिए बहुत हेल्दी फूड ऑप्शन है, और आज जो हम बाड़ी बनाने जा रहे हैं ये भी डायबिटिक पेशेंट्स के लिए एक बहुत ही अच्छा फूड ऑप्शन है। सो कोई भी डायबिटिक पेशेंट अगर बाड़ी बनाना चाहता है तो हमारी रेसिपी में से बस गुड़ को हटा दीजिए और वो आपके लिए एक परफेक्ट रेसिपी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी ये रेसिपी। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया, बाड़ी बनाना जो है बहुत ही आसान है। तो बाड़ी बनाने के लिए हमें एक बहुत ही स्पेशल इक्विपमेंट की जरूरत है, जो कि है इस तरह का कोई भी एक डंडा। तो इस तरह के डंडे का इस्तेमाल हम बस इसलिए करते हैं ताकि इसको बनाना बहुत आसान हो जाए। सो रेसिपी बहुत सिंपल है। आपको आधा कप रागी का आटा चाहिए और उसमें एक कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी चाहिए। तो सबसे पहले हम पानी डाल लेते हैं पैन में। तो ये एक कप से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने पानी लिया है, यानी कि आटे की डबल क्वांटिटी से थोड़ा सा ज़्यादा पानी हमको चाहिए। तो पहले ये पानी हम लोग गर्म कर लेते हैं। तो पानी हमारा गर्म हो चुका है, तो इसी में मैं एक चम्मच घी भी डाल लेता हूँ, और इसी के साथ पानी में मैं डाल दूंगा लगभग 1/4 कप गुड़ भी। इसको मैंने थोड़ा सा क्रश कर लिया ताकि इजी घुल जाए। तो ओरिजिनल जो रेसिपी है उसमें गुड़ नहीं डाला जाता है, पूरा ब्लेंड बनाया जाता है, इसलिए वो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको ब्लेंड नहीं रखना चाहता हूँ, इसलिए मैं इसमें गुड़ डाल रहा हूँ। तो ये पानी में अब अच्छे से उबाल आ गया है, तो अब हमने इसमें रागी का आटा डालना शुरू करना है, और एक हाथ से हम रागी का आटा डालेंगे और दूसरे हाथ से हम इसको मिक्स करते रहेंगे ताकि लम्स जो है वो फॉर्म ना हो। देखिए, आपने इसको इस तरह से मिक्स करते रहना है और इसको कुक करते रहना है। तो आपको अगर ऐसा कोई डंडा नहीं मिलता है तो आप ये काम बेलन से भी कर सकते हैं, उससे भी आराम से हो जाएगा। तो देखिए, हलवे के जैसे ये जो है तैयार हो जाएगा। तो 3 से 4 मिनट पकाने के बाद देखिए हमारी ये बाड़ी ऑलमोस्ट रेडी है, और अब लास्ट में मैं इसमें एक चम्मच घी डालूंगा और बस घी को मिक्स करके मैं इसे निकाल लूंगा। तो घी से देखिए बाड़ी में एक अच्छी सी शाइन भी आ गई है, हमारी बॉडी जो है बिल्कुल रेडी है। सो आप अगर इसको ब्लेंड बना रहे हैं बिना किसी मीठे या नमकीन के, तो आप इसको खा सकते हैं किसी भी सब्जी के साथ या फिर दाल के साथ, जैसे कि दाल का चेसू या फिर आलू के भिजवाड़े। तो ऐसे कुछ सब्जियां और दाल हमारे यहाँ पे बनती हैं जिनके साथ हम इसे खाते हैं। सो बॉडी का ये टेक्स्चर आप देख सकते हैं, बिल्कुल हलवे के जैसा टेक्स्चर है, और टेस्ट भी ऑलमोस्ट हलवे के जैसा है अगर आप इसको मीठा बनाते हैं। तो ये हमारी बाड़ी रेडी है, तो एंजॉय कीजिए आप इसे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारे उत्तराखंड की ये वंडरफुल रेसिपी? अपने फीडबैक और सजेशन मुझे जरूर दीजिए, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिए। हम मिलेंगे अपनी एक और रेसिपी के साथ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।